हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन कुल्थी की दाल जो इसे हम लोग आयुर्वेदिक दाल बोलते हैं। यदि किसी के पेट में पथरी हो जाए तो इसके पानी को उबालकर बहुत सारे लोग पीते हैं। इससे कहा जाता है कि पथरी गल जाता है। तो इसी दाल को आज मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी कुल्थी की दाल ली हूँ और मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज के बैंगन को ली हूँ। बैंगन को हम सबसे पहले आगे एक साइड करेंगे। 1 टमाटर ली हूँ, टमाटर को भी हम साइड कर देते हैं। और 3 से 4 मैं हरी मिर्च ली हूँ। मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे भी हम साइड करेंगे। 1 लहसुन ली हूँ, उसे भी हम साइड करेंगे। सबसे पहले हम दाल को देख लेंगे कि इसमें कुछ भी कंकड़ वगैरह है कि नहीं। आगे इसे हम चेक कर लेते हैं और इसे हम 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। दाल को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया। इसमें जो भी कंकड़ वगैरह, इसमें कंकड़ होते ही होते हैं, तो इसलिए आप इसे बढ़िया से देख लें। तो दाल को मैंने धोकर रख लिया है। देखिए, इधर मैंने बैंगन टमाटर और मिर्ची को भी अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम दाल को नीचे रख लेते हैं और इसी में हम बैंगन को आगे कट कर लेते हैं। तो बैंगन के पिछले भाग को हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे। बैंगन में हमेशा कीड़े होते हैं, इसलिए बैंगन को जब भी कट करें इस तरह से इसमें 2 से 3 चीरा लगा लें और इसे अच्छे से देख लें। तो देख सकते हैं बैंगन एकदम भी अच्छा है। अब इसे हम बीच से कट करेंगे और इसे हम थोड़े बड़े बड़े साइज में कट कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। आप इसे रफली भी चॉप कर सकते हैं। टमाटर को भी हम कट कर लेंगे। इसके ये थोड़े मोटे वाले भाग हैं, उसे हम कट करके निकाल देंगे। एक बार इस तरह से दाल को जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मिर्ची को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसे हम बड़े बड़े टुकड़े में ही कट कर लेंगे। देख सकते हैं मिर्ची, टमाटर, बैंगन को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इस दाल को हम कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि इससे थोड़ा सीजने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम दाल को कुकर में डाल देंगे। तो धोए हुए दाल को हम सबसे पहले कुकर में डाल देंगे। अब जो मैंने बैंगन, टमाटर और मिर्ची को कट करके रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हम पानी उतना ही डालेंगे जिससे दाल, बैंगन, टमाटर हमारा अच्छे से डूब जाए। एक बार चला लेते हैं क्योंकि ये दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि ये दाल जो है थोड़ी गाढ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बस इसमें इतना ही पानी डालूंगी। देख सकते, सब्जी अच्छे से डूब गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी की जगह आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे। बिना मसाले के भी ये दाल इतनी टेस्टी लगती है कि आपको इसके साथ में कोई भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुकर के ढक्कन को हम अच्छे से लगा देंगे और इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देते हैं। जब इसमें 1 सीटी आ जाए तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दूसरी तरफ गैस पर मैंने चावल को चढ़ा दिया है क्योंकि गर्मा गर्म चावल के साथ में ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। मैं एक बार आपको इसे परोसते हुए दिखाऊंगी। इधर जो मैंने लहसुन लिए हैं, तो लहसुन को हम इस तरह से निकालेंगे और इसके ऊपर के छिलके को हम निकाल कर इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं और इसे हम छील लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे लहसुन को छील लेंगे और देख सकते हैं मैं इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। तो सारे लहसुन को हम कट करके आगे रख लेते हैं। इसे हम बाद में क्या करेंगे वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। 1 सीटी लग चुकी है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो देख सकते हैं कुकर हमारा अपने आप अच्छे से ठंडा हो गया है। अब कुकर के ढक्कन को हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं दाल जो है हमारा अच्छे से गल गया है।
बैंगन टमाटर सभी चीजें अच्छे से पक गई है। अब क्या करेंगे, एक कलछी लेंगे और कुकर में ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दाल टमाटर बैंगन जो है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर देंगे। आपके आपके पास में यदि लकड़ी की घुटनी हो तो आप उससे भी घोट सकते हैं इसे। तो देख सकते हैं दाल को मैंने किस तरह से गाढ़ा रखा है। अब सारे दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल इतनी टेस्टी लगती है और एकदम शरीर के लिए भी हेल्दी है। यदि किसी को पेट की बीमारी है तो इस दाल को जरूर से बना के खाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। गर्मी के मौसम में कहा जाता है कि इसे कम खाना चाहिए, लेकिन ठंड के मौसम में इसे आप जरूर से बनाएं। सारी दाल को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अंत तक जरूर से देखिएगा, जो मैंने लहसुन रखी थी अब उसे हम इसमें डालेंगे। अब इसके लिए हम गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जो लहसुन ली थी उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। मैं यहाँ पर 4 से 5 सूखी वाली मिर्च ली हूँ, जिसके मैंने डंठल के साथ से ही पीस से तोड़ लिया है। एकदम थोड़ा सा राई के दाने और एकदम थोड़ी सी जीरा ली हूँ, इससे दाल में 4 चांद लग जाएंगे। तो देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें राई के दाने को डाल देंगे। मैंने जो जीरा लिए उसे भी हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम सूखी मिर्च को डालेंगे। मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये तीखी नहीं होती है। और सारे लहसुन को हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम भून लेते हैं। बिना मसाले के भी ये दाल इतनी अच्छी लगती है खाने में कि कहने की बात ही नहीं है। एक बार जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। लहसुन को हम थोड़ा सा और भूनेंगे। अच्छे से भून गया, इसे हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दाल के ऊपर इसे हम गरम गरम तड़का लगाते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारा कुल्थी का दाल बनकर तैयार है। आप इसे चावल के साथ में या रोटी के साथ में सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे, बहुत की बहुत ज्यादा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसे यदि एक बार बना लेंगे तो आपको इसके साथ में कोई भी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी लगती है खाने में। एंजॉय, थैंक यू।